दोस्तों, इस वीडियो में आप मल्टीप्लिकेशन की एक फास्ट मैट्रिक सीखेंगे। इस ट्रिक की मदद से आप कोई भी नंबर जो कि 10, 100 या 1000 के नियर है या क्लोज है, उसका आप मल्टीप्लिकेशन कुछ ही सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस ट्रिक को सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में हमें 18 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनका हम क्या करेंगे, बेस 10 मान लेंगे। अगर बेस इसका 10 मानेंगे 18 का, तो ये अपने बेस से कितना बड़ा है, प्लस 8, और ये प्लस 3। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे या फिर इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, बात एक ही पड़ेगी। तो 18 प्लस 3 21, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 जा 24। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही नंबर लेंगे, 4 लेंगे खाली, और 2 कैरी में आ जाएगा, तो लास्ट में हमारा आंसर कितना आएगा, 234। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और इस ट्रिक को सही से सीखते हैं। देखिए, इसमें भी बेस 10 ही लेंगे इनका, तो ये अपने बेस से कितना बड़ा है, 12 प्लस 2 और 16 प्लस 6। अब देखिए, इसको इसके साथ ऐड करते हैं या फिर इसको इसके साथ ऐड करते हैं, तो कितना आता है, 16 प्लस 2 18, 18 लिख लेंगे सीधे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 का सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा, और कैरी में 1 आ जाएगा, तो लास्ट में हमारा आंसर कितना आएगा, 192। तो हमने 10 के क्लोज वाले नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन सीख लिए हैं। अब हम 100 के क्लोज वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, इसमें 95 को 98 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 95 100 से कितना छोटा है, माइनस 5, और 98 माइनस 2, तो 95 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो अगर इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा, 95 माइनस 2 93। देखिए, अब क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10। इसमें हम डायरेक्ट 10 लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने बेस 10 वाले क्वेश्चंस लिए थे, उसमें हमें सिर्फ एक ही नंबर लेना था और जो बचा हुआ नंबर था उसे हम कैरी में डाल दे रहे थे। लेकिन जो बेस 100 वाले क्वेश्चंस होंगे, उसमें हम 2 डिजिट तक का नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यही क्या है इसका आंसर है। चलिए, अब 1000 के क्लोज वाले नंबर्स के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें देखिए, 991 को 996 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम बेस क्या मानेंगे इनका, 1000 मानेंगे, तो अगर बेस 1000 मानते हैं, तो ये 1000 से कितना छोटा है, माइनस 9, और ये माइनस 4, तो 991 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, या फिर 996 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 987। और फिर क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 4 जा कितना होता है, 36। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, क्योंकि इनका बेस हमने 1000 माना है, तो ये क्या हो रहा है, 2 डिजिट बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक जीरो लगा देंगे। अगर 100 होता है इनका बेस, तो सिर्फ 36 से ही काम चल जाता, लेकिन इसमें क्या है, इनका बेस 1000 है, तो हमें यहाँ पे जीरो लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर ये 3 डिजिट नंबर होता, तो फिर हमें ये जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो यही क्या है इसका आंसर है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए, 992 को 995 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी बेस हम क्या लेंगे, 1000 लेंगे, तो ये 1000 से कितना छोटा है, माइनस 8, और ये माइनस 5। अब क्या करेंगे,
या तो इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो इसको इसके साथ, तो बात एक ही होगी। तो 992 माइनस 5 कितना होता है? 987। तो अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 85 जा 40। तो ये थ्री डिजिट का होना चाहिए, थ्री डिजिट का नहीं बन रहा बल्कि टू ही डिजिट का बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 40 ऐसे लिख लेंगे और एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो 992 इंटू 995 कितना होता है? 987040। यही क्या है इसका आंसर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने मल्टीप्लिकेशन की एक फास्ट मैट्रिक सीखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस हिंदी में सीखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।